नमस्कार, आयन एंड टुडे में आपका स्वागत है। मैं मंजुल कपूर और मेरे साथ है मेरे साथी आसिफ खान जी। जय हिंद, नमस्कार और खुशामदीद। आज हम बात करेंगे महान गायक किशोर साहब के बारे में। आज किशोर साहब का जन्मदिन है। 4 अगस्त 1929 को खंडवा में इस महान गायक का जन्म हुआ था। वहीं से इनका सफ़र शुरू हुआ। बड़े भाई अशोक कुमार आप सब लोग जानते हैं, इंडस्ट्री के महान कलाकार रहे। किशोर साहब के पिता का नाम कुंजी लाल कांगली था, माता का नाम गौरी। किशोर साहब का असली नाम था आभास कुमार गांगली। किशोर उनका पॉपुलर नाम था। तो यहाँ से सफ़र शुरू होता है किशोर साहब का। और किशोर साहब, आपको मालूम है कि सबसे पहले उन्होंने 1946 में, 17 साल एज थी उनकी, उन्होंने फिल्म शिकारी में बतौर एक्टर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी। और उनको पहली बार गाने का मौका मिला 1948 में, फिल्म का नाम था जिद्दी। और जितने भी सुपरस्टार्स गुजरे हैं, सबसे पहले देवानंद साहब लो, अमिताभ बच्चन साहब, राजेश खन्ना जी, मेरे ये तो सब पर किशोर दा की आवाज ने धमाल किया। राजेश खन्ना साहब तो किशोर साहब के ऐसे फैन थे कि एक गाना आपको याद होगा कि वो गाना रफी साहब को दिया गया था। अच्छा, लेकिन राजेश खन्ना साहब की जिद थी कि किशोर साहब से करा जाएगा, और वो गाना फिर किशोर साहब को दिया गया। तो इस तरह उनके, राजेश खन्ना साहब तो बहुत ज्यादा किशोर साहब के मुरीद रहे। तीनों जो बड़े स्टार्स गुजरे हैं, देवानंद साहब और राजेश खन्ना साहब तो खैर हैं, और अमिताभ बच्चन ने भी बहुत गाने गाए हैं। किशोर दा ने अमित जी के लिए बहुत सारे गाने गाए हैं। मेरा ख्याल है कुछ झलकियां तो बनती है सर। ठीक है, पहले हम अपने दर्शकों को कुछ झलकियां दिखाते हैं। आइए देखते हैं किशोर दा की कुछ खूबसूरत यादगार लम्हे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात हम, हंसत जात अरे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, तुम आ गए हो नूर आ गया है, नहीं तो चराहों से लो जा रही थी। तो आपने देखा किशोर दा की कुछ झलकियाँ। हालांकि उन्होंने लगभग 35,000 गाने गाए। इम्पॉसिबल है कि इस प्रोग्राम में हम आपको सब दिखा पाएं, लेकिन उनके ये बहुत फेमस गाने जो आपने देखे, और किशोर दा हर दिल में समाए हुए हैं। व्यक्तिगत जिंदगी उनकी अलग थी, लेकिन आवाज़ के मामले में रफ़ी साहब, किशोर साहब, मन्ना डे, मुकेश जी, ये हमारे यहाँ के लीजेंड सिंगर रहे हैं। तो किशोर लीजेंड कहा जा सकता है। अब बस थोड़ा सा किशोर साहब की ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं जी, कि जैसा कि किशोर साहब ने 4 शादियाँ की, बहुत रोमांटिक ज़िंदगी गुजरी है। हाँ, और शायद हमारे दर्शकों को मालूम होगा, कि नहीं मालूम है तो बताता हूँ कि किशोर दा ने जब दूसरी शादी मधुबाला से की तो उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, और उनका नाम हो गया था अब्दुल। किशोर साहब की 2 संतानें, अमित कुमार बहुत फेमस, वो भी अपने टाइम के सिंगर रहे, और सुमित, 2 उनके औलादे। और किशोर साहब हम सबको 1987 में छोड़कर चले गए। ये थी किशोर साहब के बारे में एक छोटी सी जानकारी। तो आइए अभी हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं हुमायूं कबीर, जो बहुत इवेंट्स करते हैं और किशोर दा के बहुत बड़े फैन हैं। तो आइए जानते हैं हुमायूं कबीर से। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, प्यार की गलियां बागों की कलियां सब रंग रलियां पूछ रही हैं, गीत पन घट पे किस दिन गाएगी तू, मोरे सपनेरी साथी तुम ही काशेशो, आज ऋतु फाल्गुने तो दूर थाको, वृथा जाए दिन जानी तुम ही आशो ना को,
ऐशोगो चलिया आ तू चलिया। कोई शमा शीशे की लाया, कोई पीतल का परवाना, दो नैनों का मार लेकर आया दिल का नजराना। कोई शमा शीशे की लाया। दोस्तों जानते हो इतने सारे गाने मैंने आपको क्यों सुनाए? खास वजह, खास दिन, खास शख्सियत, आज है किशोरदा का जन्मदिन और आप सबको, पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को, किशोरदा के फैंस को किशोरदा का जन्मदिन बहुत 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 मुबारक। मंजू जी, इन लीजेंड शख्सियत जो पर्सनैलिटी गुजरी है ये इतिहास में अमर है। बिल्कुल, और कुछ लोगों का रिप्लेस नहीं आ सकता ना बॉलीवुड में, कुछ ऐसे लीजेंड जो स्पेशली बनाए जाते हैं इसी काम के लिए। और इन्होंने वाकई सिर्फ अपना ही नहीं, देश का भी नाम बहुत रोशन किया। और एक ऐसे सिंगर जो हर फॉर्मेट में अपने आप को ढाल लेते थे, चंचल इनकी ज़िंदगी गुजरी है, बहुत हंसी मजाक वाले मिजाज में रहते थे, हंसी मिजाज रहते थे और बहुत ही प्रोफेशनल एटीट्यूड के थे। शायद आपको मालूम होगा कि किशोर साहब और रफ़ी साहब में एक मेजर डिफरेंस यही था कि किशोर साहब सिंगर तो बहुत अच्छे थे लेकिन पैसे के मामले में बहुत बहुत सख्त थे, बहुत प्रोफेशनल थे। वो एक ऐसी पता नहीं कहाँ तक सच है लेकिन उनके सेक्रेटरी का वो रुमाल वाला वाकया बड़ा मशहूर रहा है। वो रहता था, उनको अगर पैसे नहीं मिले तो उनका गला खराब हो जाता था, वो गाना नहीं गाते थे। बहरहाल वो तो खैर अपने अपने प्रोफेशनलिज्म है, हम उस पर नहीं जाएंगे। आज किशोर झा की जिंदगी का जो जन्मदिन पर हम डिस्कस कर रहे हैं तो उनकी यादें, उनकी झलकियाँ और तमाम चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं और लाफानी है, ये खत्म नहीं होगी कयामत तक किशोरदा की यादें। और किशोर दादा एक ऐसे सिंगर रहे जिनको 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला, लता मंगेशकर अवार्ड से नवाजा गया और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, चूंकि वो खंडवा के थे तो एमपी गवर्नमेंट ने अपने यहाँ 1997 में एक पुरस्कार की शुरुआत की, किशोर कुमार पुरस्कार। ये अवार्ड बेस्ट सिंगर को दिया जाता है तो उनके नाम से अवार्ड भी चलता है। यानी उन्होंने लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि लोग खुद ब खुद उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे। तो ऐसे थे अपने किशोर कुमार, उनको जन्मदिन पर आयरन टुडे की तरफ से बहुत बहुत नमन, क्योंकि हम और पूरा देश उनको उनके जन्मदिन पर याद करता है। सो आयरन टुडे भी उनको नमन। किशोर दा आपको आयरन टुडे की तरफ से बेशुमार सलाम अर्ज करते हैं और बधाई देते हैं उन सभी दर्शकों को जो इनके फैन हैं। और आज के लिए बस, इनके लिए जितनी बातें की जाए उतनी कम हैं लेकिन वक्त की जो है कमी है, जो किल्लत है, उसे हमें इजाज़त नहीं देती। हमें उस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करना होगा। मंजू जी, फिर मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए हम दोनों को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार। फॉर मोर डिटेल्स Subscribe to our channel INN today and press the bell icon.